आप हैं पेन स्टॉक पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कर सकते हो इंडेक्स बैग को। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स बैग को करने के लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक प्रॉपर पेन मोल्ड हो, तो जो नॉर्मल पेन है उससे भी आप 100 से ज़्यादा ट्रिक्स कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है वीडियो में, जिस वीडियो में एक नॉर्मल पेन से एक लड़के ने कई सारी ट्रिक्स की हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। तो अब बात करते हैं इंडेक्स बैग की। तो इंडेक्स बैग को कोरियन बैकग्राउंड भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है और इजी भी है। ये कुछ इस तरीके की दिखती है इंडेक्स बैग। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से स्पिन करना होता है कि जो पेन है वो आपकी इंडेक्स के पीछे से स्पिन हो, ठीक है। इसीलिए बैग नाम है, क्योंकि पीछे की ओर ऐसे स्पिन होकर पेन आता है यहाँ पर, और जो मूवमेंट होती है इसमें वो भी पीछे की ओर होती है। तो अगर आप पाम डाउन पोजिशन में करेंगे तब इसकी मूवमेंट ऐसे पीछे की ओर होगी ऐसे, बट जब आप पाम डाउन में ना करके ऐसे ऊपर से पकड़ के करेंगे तब इसकी मूवमेंट नीचे की ओर होगी ऐसे, ठीक है। तो इंडेक्स बैग को लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, आपको जो तरीका ठीक पड़े उससे करना। बट जब आप बैकफॉल करोगे, ठीक है, तो उसमें ये वाली टेक्निक काम आएगी। बैकफॉल में ये वाला इंडेक्स बैग होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप नॉर्मली इंडेक्स बैक करते हैं तो पेन की पोजीशन क्या होती है कि वो इस तरीके से आती है, ठीक है। जैसे ये इंडेक्स बैक है, तो इंडेक्स बैक की एंडिंग पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके से आती है कि जो उसका ये बिगर पार्ट रहता है वो नीचे की ओर आ जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो बैक 1.5 होता है उसमें ऐसे किया जाता है कि पेन का बिगर पार्ट ऊपर आ जाए और वहीं पर एक और हो जाए, ठीक है। तो जब बैक 1.5 किया जाता है तब हाथ पूरा नीचे होता है और फिर इसको स्पिन किया जाता है पीछे की ओर, और वहीं जब एक सिंगल इंडेक्स बैक होता है तो उसको ऐसे किया जाता है, इस तरीके की मूवमेंट लेके किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेना कि आपको मूवमेंट कौन सी रखनी है, क्योंकि अगर आप ये वाली मूवमेंट करोगे जो हाथ को पीछे की ओर फेंकने वाली है तो इसमें बैक 1.5 होता है, ठीक है। अगर आप ये मूवमेंट करते हो तो फिर बैकफॉल में आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले मूवमेंट क्लियर कर लेना कि आपको ये वाली मूवमेंट में बैकफॉल करना है, और बैकफॉल ही इंडेक्स बैक ये वाली मूवमेंट में करना है, या फिर ये पीछे वाली मूवमेंट में आपको इंडेक्स बैक करना है, ठीक है। तो अगर आप पीछे वाला मूवमेंट करते हो तो बैक 1.5 वैसे उस मूवमेंट में किया जाता है, बट आप नॉर्मल बैक भी कर सकते हो उस मूवमेंट में, ठीक है। तो अब आपको करना ये है बैक अराउंड करने के लिए, सबसे पहले अपनी इंडेक्स को बाहर निकालना है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इंडेक्स को इस तरीके से बाहर निकालना है, और अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एकदम आगे से स्पिन करो या थोड़ा अंदर से, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये दो पॉइंट पर ही स्पिन होगा। कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है, और पकड़ने के बाद जो बड़ा पार्ट है पेन का वो नीचे के साइड रहेगा, और फिर जो आपका हाथ है इसकी मूवमेंट इस तरीके से नीचे की ओर जाएगी। तो जब बिगर पार्ट नीचे रहेगा और आप यहाँ से होल्ड करोगे और जब इसको इस तरीके से मूव करोगे पेन को, ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट है वो सर्कुलर ऐसे जाएगा, ऐसे एक सर्कुलर मूवमेंट पेन की होगी इस साइड, और ऐसे सर्कल में वो स्पिन होके आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप पेन को ऐसे ढीला पकड़ोगे और ऐसे मूवमेंट जब करोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये जो है ये सर्कुलर मूवमेंट में जा सकता है ऐसे, तो आपको ऐसे ही सर्कल में इसको स्पिन करना है, ऐसे होल्ड करना है बिगर पार्ट नीचे इस तरीके से। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोग क्या करते हैं कि इसमें हाथ अपना फ्लैट कर देते हैं। आपको हाथ फ्लैट नहीं रखना, उसको ऐसे कर्व में रखना है, क्योंकि जब आप स्पिन करोगे तो आपके इंडेक्स पर से ये जाएगा, ठीक है, इंडेक्स पर से, ना कि इन फिंगर्स पर से, सिर्फ इंडेक्स पर से ही होके ये इंडेक्स पर वापस आएगा,
और अगर ये फ्लैट हो जाएगा, और अगर फ्लैट हो जाएगा तो फिर जब आप ऐसे स्पिन करेंगे इसको तो ये इंडेक्स पर ना जाके इतने एरिया पे चला जाएगा और ठीक से स्पिन नहीं हो पाएगा। तो आप कर्व में इसको रखेंगे तब इंडेक्स बैक होगा, ठीक है। इस तरीके से मुड़ा हुआ, स्ट्रेट नहीं रखना है, ठीक है। ऐसे हल्का खुला हुआ रखना और ऐसे, और फिंगर्स को रिलैक्स रखना है, ठीक है। रिलैक्स रखना है, ज़्यादा स्पीड में करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के मूवमेंट से इंडेक्स बैक हो जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, किसी भी पेन मोड से कर सकते हो, जैसे कि ये एक नॉर्मल पेन है, ये देखिए नॉर्मल पेन से भी हो जाता है, ठीक है। अगर कोई पेपर का पेन मोड आपने बनाया है तो उससे भी ईजिली हो जाता है। तो ये था ट्यूटोरियल इंडेक्स बैक का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा, और अगर किसी ट्रिक में परेशानी है तो नीचे ज़रूर बताना।